ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड शीतितमोध्याय भगवतानंदाय भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र दर्शन निषेधस्य हेतु वक्तुं चंद्रकृत तारापहरणस्य वृत्तांत कथनम्। श्री कृष्ण उवाच पुरा तारा गुरुपत्नी नव यौवन संयुता रत्नभूषण भूषाढ़्या वर सूक्ष्मांबरासती सुश्रोणी सस्मितारम्य सुंदरी सुमनोहरा अतीव कबरी रम्या मालते माल्य भूषिता बिंदुर बिंदुनासाकं चारुचंदन बिंदुभि कस्तूरी बिंदुनाधश्च भालमध्यस्थलोज्ज्वला रत्नेन्द्र सार निर्माण क्वणन मंजीर रंजिता सुवक्रलोचना श्यामा सुचारु कज्जलोज्ज्वला सुचारु सार मुक्ताभदंत पंक्ति मनोहरा रत्नकुंडल युग्मेन चारु गंडस्थलोज्ज्वला कामिनीश्वतुला बाला गजेन्द्र मंदगामिनी सुकोमला चंद्रमुखी कामाधारा च कामुकी स्वर्गमंदाकिनी तीरे स्नाता स्निग्धांबरावरा ध्यायन्ति गुरुपादं सा स्वगृहं गमनोन्मुखी दृष्ट्वा तस्याश्च सर्वांगं अनंगबाणपीडितः भाद्रे चतुर्थ्यां चंद्रश्च जहार चेतनम्रज ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रतस्तो रमिको बलिं रतमारोहयामास करे धृत्वा च तारकं कामोन्मत्तकामिनीं तां समाश्लिष्य चुचुम्बच शृंगारं कर्तुमुद्युक्तं तमोवाच गुरुप्रिया तारको वाच त्यज मां त्यज मां चंद्र सुरेशो कुल पांसन गुरुपत्नी ब्राह्मणी च पातिव्रत्य परायणां गुरुपत्नी संगमने ब्रह्महत्या शतं भवेत् गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता ब्रह्महत्या सहस्रं च तस्या संगमने लभेत् पुत्रस्त्वं तव माताहं धैर्यकुरु सुरेश्वर दिक्त्वां श्रुत्वा सुरगुरोर्भस्मीभूतं करिष्यति पुत्राधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्वामिनो भवान् स्वधर्म रक्ष पापिष्ट मामेवं मातरं त्यज दास्यामि स्त्रीवधं तुम्यं यदि मां संग्रहीष्यसि विलंध्य तारा वचनं तां च संभोक्तो मुद्यतं शशाप तारा कोपेन निष्कामासा पतिव्रता राहुग्रस्तो घनग्रस्तः पापदृश्यो भवान् भव कलंकी यक्ष्मणाग्रस्तो भविष्यसि न संशयः
चंद्रम शप्त्वा तदा तूर्ण कामदेवं शशापसा तेजस्विनाकेन चित्वं भस्मीभूत भविष्यसि। चंद्रस्तारां गृहीत्वा च कृत्वापि रमणं व्रज क्रोडे निधाय प्रययो रुदतीं ताशुचान्विताम्। निर्जने निर्जने रम्ये शैले शैले मनोहरे सरोनदनदीनां च तीरे तीरे मनोहरे मधुव्रतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते रम्यायां पुष्पशत्यायां सरे मे रामया सह। चदनुक्षित सर्वांगो मधुपानरतसुरः सुख संभोग संसक्तो बुबुदेन दिवानिशं। मलये मलयारण्ये मलयानिल संयुते स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोदधि सन्निधौ। त्रिकूटे वटमूले च तत्र चन्द्रसरोवरे सुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्दनचर्चिते। सुचारु चम्पकोद्याने चम्पकानिलपूजिते क्षीरोदकाञ्चनी भूमौ क्रौञ्च काञ्चन पर्वते। रत्नशैले मणिमये मणिमन्दिरसुन्दरे माणिक्यमुक्तासारेण हीरहारेण शोभिते। सुचारुवस्त्रचित्राड्ये श्वेतचामारदर्पणैः भूषिते रत्नदीपैश्च देवक्रीडे प्रियस्थले। वारुणी मदिरां पीत्वा वरुणानि समन्वितः वरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह। पावने पवनोद्याने परिजातानिलेन च सुगन्धिमोहिते रत्नं मालातीरे च निर्मले। वृक्षशैले कल्पवृक्षवने वह्नि प्रियाश्रमे पपौ च कामधेनूनां क्षीरं क्षीरोदधिस्तटे। वह्नि शुद्धां शुकयुगं वह्नि तस्मै दधो मुदा वरुणो रत्नमालां च नत्नच्छत्रं समीरणः। तत्र दृष्ट्वा सुरगुरुं बलिके हात्समागतं प्रणम्य सर्वमुक्त्वा च चन्द्रस्तं शरणं ययौ। शुक्रस्तं बोधयामास वचनं नीतियुक्तितः निरपेक्षो सुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः। शुक्र उवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकां शम्भोश्च सुरपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वै पूजिताय सुरार्णा च देया तस्मै निशापते। प्रियाय तत्प्रियार्यं प्रियाय तत् प्रियार्यां दत्त्वा शीघ्रं त्वं शरणं व्रज। गुरुपत्नीं मातृतुल्यां त्यज सद्वचनाद्विधो कुरु पापक्षयं पाप निवृत्तिस्तु महाफला। सतीनां गुरुपत्नीर्नां ग्रहणे च बलेन च
ब्रह्महत्या सहस्राणां पातकं लभते जनः कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्वै ब्रह्मणः शतम् साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्वतयोसुरा कस्त्वं वत्स हरेस्थाने कर्म भोगोऽस्ति ब्रह्मणः नारायणाश्रिता सर्वे जीविनस्त्रिविधा भवे इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायण नारद संवादे भगवन्नन्द संवादे ताराहरणे शीतितमोऽध्यायः।